एक गाड़ी के अंदर आवाज आ रही है और वैगनार ओल्ड मॉडल है, मारुति सुजुकी वैगनार ओल्ड का, और हमारे दोनों चेला एक काशी है और एक आरिफ है। दिखाओ इन दोनों को। ये दोनों फेल हो रहे थे आवाज में काफी देर से। कितना देर से लगे हुए तुम लोग? आधा घंटा। आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया इस आवाज को लगे लगे। अभी मैं जस्ट आया हूँ तो मेरे को दिखाए हैं, तो मैं भी थोड़ा सा दो तीन मिनट के लिए तो घूम ही गया मैंने। यार क्या है, आप भी चेक आओ इधर, नोटिस करना साउंड को। और पास में करो, उम्मीद है आज आवाज आपने देख लिया होगा कौन सा आवाज है। अब इसको मैंने टेस्ट कैसे किया और फाइंड आउट कैसे किया आवाज को, आप पास में आओ। सबसे पहले मैंने ये आवाज ये निकाला, निकाल के रेस दिया। नहीं खत्म हुआ, क्योंकि कई बार ये जो होता है पीसीबी वाल, ये खराब हो जाए तो ऐसी आवाज आती है। फिर मैंने इसको निकलवाए, ये निकालो जरा इस पाइप को। इसके अंदर भी एक वन वे वाल होता है, ब्रेक वैक्यूम में रहा वाल, तो ये भी आवाज करने का चांस होता है। इससे भी नहीं गया भाई वाल, इसको लगा दो नेक्स्ट, इसको क्लिप लगाओ। नेक्स्ट जो स्टेप था ना वाल का, मैंने ये देखा, ये वाल चेक किया इस वाल को, तो देखा इसका पाइप भाई उतरा हुआ है और ऑलरेडी इसका क्लिप पता नहीं है कहाँ है, क्योंकि इसमें लगा था एलपीजी और एलपीजी हटाया तब से साउंड आ रहा है। अब यहाँ नोट करना, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। पास में करो, अब देखो पाइप किसका है, दूर करो। ये पाइप है कनिस्टर का, क्योंकि टंकी के अंदर का जो भी वेव होता है, वेव रैप, वो कनिस्टर में आता है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है और पेट्रोल का कुछ गैसेज उड़ता है तो कहीं ना कहीं स्टोर होना होता है, तो उसको एक कनिस्टर में पर्ज वाल में उसको रिजर्व करता है। और जैसे ही हम एक्सेलरेट करते हैं या फिर ओवरटेक करते हैं, तो वो गैस जो उड़ा हुआ टंकी का है, वो गैस टोटल बॉडी के थ्रू इंजन को मिलने लगता है इंटेक सिस्टम में, और उसी का एक पाइप है चूंकि, और इसमें एक छोटा सा वाल होता है, जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये कनेक्शन चालू हो जाता है, और ये उतरा हुआ है जिसकी वजह से आवाज आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम था। अभी मैं ये देखो कनिस्टर यहाँ दिखाओ, ये कनिस्टर जो लगा हुआ है ना, तो एक कनिस्टर में लगा हुआ होता है, और मैं यहाँ सिंपली इसको लगा दूंगा इस पाइप को, बस ये लग गया, अब आवाज नहीं करेगा। तो ठीक है भाई, छोटा छोटा टिप्स होता है। कई बार जैक भी उठवाने वाला था कि कहीं से बॉडी में कुछ टकरा तो नहीं रहा है, पर मिल गया फोल्ड। और छोटी छोटी चीज़ें कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं और बहुत सारी चीज़ें खोल देता है आदमी, तो इसलिए बताना था। और ऐसा नहीं है किसी गाड़ी पे, तो बहुत सारी गाड़ियों के प्रॉब्लम आती है, तो हर गाड़ी का एक एक मेथड होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।